इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त नोएडा से सामने आ रही है। अट्टा में कार पार्किंग के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है, गाड़ियों को उठाने धमकाने का खुलेआम धंधा चल रहा है, व्यवस्था के नाम पर गुंडों के सहारे वसूली का पूरा खेल चल रहा है। नगर निगम नोएडा और गुंडों की साठगांठ की भी खबरें हैं। तो बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। अट्टा में कार पार्किंग के नाम पर वसूली का एक खेल, गाड़ियों को उठाने और धमकाने का खुलेआम धंधा चल रहा है, व्यवस्था के नाम पर गुंडों के सहारे ये पूरा वसूली का खेल चल रहा है। नगर निगम नोएडा और गुंडों की साठगांठ की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, नोएडा से ये बड़ी खबर है। नोएडा के अट्टा बाजार में कार पार्किंग के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है, गाड़ियों को उठाने और धमकाने का खुलेआम ये धंधा चल रहा है, व्यवस्था के नाम पर गुंडों के सहारे वसूली का खेल चल रहा है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जब लोग अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि हम अपनी गाड़ी खड़ी करें तो कहाँ करें। ऐसे में जो तमाम पार्किंग माफिया हैं उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है, चाहे हम सरकारी दफ्तर की बात करें, निजी मार्केट की बात करें, हर जगह जो सरकारी माफिया हैं या जिसको कह सकते हैं जो पार्किंग माफिया, उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। सरकारी जो पार्किंग बनी होती है वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती, जो निजी पार्किंग होती है यानी कि सड़कों के किनारे जो पार्किंग होती है वहाँ गाड़ी खड़ी करवाते हैं और मोटा पैसा लेते हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ नोएडा के सेक्टर 18 की पार्किंग का एक बोर्ड है जहाँ लिखा है बहुमंजिला कार पार्किंग सेक्टर 18, जो कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है करोड़ों की लागत से। और देखिए जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, सामने देखेंगे जो बहुत बड़ा विशाल आपको एक मॉल लग रहा होगा, मगर ये मॉल नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण का सरकारी कार पार्किंग है। यहाँ दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन सस्ते दरों में खड़े होते हैं और बताया जाता है कि यहाँ 2 घंटे के ₹10 लिए जाते हैं और 4 घंटे के ₹20। मगर ऐसे में जो सड़कें हैं यानी कि जो सड़कें खूबसूरत देखने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पार्किंग वाले जो पार्किंग माफिया हैं वो दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करवाते हैं ताकि अवैध वसूली कर सके। यानी कि अवैध मतलब जो यहाँ गाड़ी खड़ी करता है उससे 1 घंटे के ₹70 लेते हैं। सोचिए, वहाँ 1 घंटे के ₹10 से ₹20 आपसे लिए जाते हैं और इस अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ 1 घंटे के आपसे ₹70 वसूले जाते हैं और आप 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब अट्टा मार्केट को इतना सुंदर बनाया गया है नोएडा प्राधिकरण द्वारा, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, तो ऐसे में उनको गुमराह क्यों किया जाता है। तमाम जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है कि यहाँ पार्किंग पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, मगर लोग इस बात को भी लेकर शिकायत कर रहे हैं कि अगर हम 2 मिनट वॉशरूम भी चले जाते हैं या कहीं ATM चले जाते हैं या कुछ पानी लेने चले जाते हैं तो तुरंत जो पार्किंग वाले होते हैं यानी कि जो निजी ठेकेदार हैं वो आते हैं, क्लिप लगा लेते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, उनको बात करने का तरीका नहीं होता, ना उन पर कोई आई कार्ड होता है, केवल वो नोएडा प्राधिकरण की शर्ट पहन के बदतमीजी करते हैं और साफ क्लिप लगा के चले जाते हैं। उन्हें मतलब नहीं होता कि वो जो व्यक्ति मार्केट में आया है क्या वो शॉपिंग करने आया है, किसी इमरजेंसी काम के लिए आया है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगर उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो उनसे गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं। ऐसे में नोएडा में कई बार ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से जो पार्किंग के ठेकेदार होते हैं, जो पार्किंग के कर्मचारी होते हैं, वो लोगों से बसलूकी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, इतना आगे बात बढ़ जाती है, उनके साथ हाथापाई भी करते हैं। मगर समस्या यही है कि नोएडा प्राधिकरण, इससे संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई कब करेगा। जब नोएडा प्राधिकरण ने अरबों खरबों रुपये खर्च करके बहुमंजिला पार्किंग बनाई है तो लोग वहाँ गाड़ी खड़ी क्यों नहीं करते, रास्ते में गाड़ी खड़ी क्यों करते हैं। और ऐसे में जो लोग निजी टेंडर वाले यानी कि जो निजी पार्किंग वाले हैं वो सड़कों पर गाड़ी क्यों खड़ी करवाते हैं। सवाल यही है कि जब सड़कें इतनी सुंदर चौड़ी हैं तो इसको खराब क्यों किया जा रहा है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। लोग पार्किंग माफिया की गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ शॉपिंग करने आते हैं और अपनी इमरजेंसी की सामान, चाहे हम दवा की बात करें या कुछ भी बात करें। दोबारा लो, क्या नाम आपका? सुजीत कुमार।
सुजीत भाई ये बताओ यहाँ पार्किंग में क्या चार्जेस हैं? सर यहाँ पे चार्जेस है आधे घंटे का 20 रुपया रेट है, ठीक है। आधे घंटे प्लस करता है 31 मिनट से 4 आवर्स 30 मिनट तक 70 रुपीस लगते हैं। अच्छा। उसके बाद सर पर आवर्स के बाद 4 आवर्स 30 मिनट के बाद पर आवर्स के बाद यहाँ पे 50 रुपीस बढ़ता है सर। अच्छा, हर घंटे? हर घंटे 50 रुपीस। दिन में कितनी गाड़ी आ जाती है? दिन में करीब तो 100 गाड़ी के लमसम आ जाते हैं सर। 100 गाड़ी? हाँ, ये पार्किंग में। बहुत आगे भी आगे पार्किंग है, आगे पार्किंग है। जो सरकारी पार्किंग में वहाँ क्या चार्जेस है? सरकारी वहाँ पे सरकारी में चार्जेस नहीं लगता है सर। अच्छा, फ्री में तो होगा नहीं, मतलब 10-20? हाँ, कुछ वहाँ का चार्ज होगा तो। हाँ, इससे सस्ता रहता है सरकारी में। पूरे मार्केट में कितनी गाड़ी लग जाती होंगी ऐसे? पूरे मार्केट में तो लमसम 1000-2000 प्लस ही गाड़ी लगते होंगे। हाँ जी, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो पार्किंग माफिया है वो आम आम जनता की जेब पर कैंची लेकर वार कर रहे हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में सरकारी पार्किंग भी है और इस तरह की अवैध पार्किंग भी है। मेरे पीछे एक तस्वीर आप देखिए और खुद आप हैरान हो जाएंगे क्या लिखा है वहाँ। नो पार्किंग नो स्टॉपिंग, और अगर आप वहाँ रोकते हैं, खड़ी करते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे एक लंबी जो कतार है वो लगी है, और इन सब का बकायदा एक तरीके से रिसिप्ट मिली है, यानी कि जो पार्किंग वाले हैं इन्होंने उनकी पार्किंग की रिसिप्ट दी है बकायदा, जो 70 रुपये यानी कि जो इनसे चार्ज किए हुए हैं। यानी कि एक तरफ ये बोर्ड लगा रहे हैं कि नो पार्किंग, दूसरी तरफ ये गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं, और इसकी वजह से देखिए दोनों तरफ गाड़ी खड़ी है तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम है वो हमें देखने को मिलता है। महेंद्र भाई, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे संवाददाता नोएडा से, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपने वहां पर मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया पार्किंग का, जहां पर अवैध तरीके से गाड़ियों को खड़ी करवाया जा रहा है, इसका परमिट किसने दिया है? इन लोगों को किसने परमिशन दी है कि यहां पर आप अपना ठेका चलाइए या पार्किंग चलाइए? महेंद्र बिल्कुल, देखिए जो नोएडा और खासकर सेक्टर 18 या कोई भी मार्केट आप ले लीजिए जहां कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा हो या जहां मॉल या तमाम बड़ी बड़ी मार्केट हो वहां लोग ज्यादा आते हैं, ऐसे में जो पार्किंग माफिया है जैसे तैसे करके टेंडर की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं और नोएडा प्राधिकरण से इसका टेंडर ले लेते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण एक तरफ तो अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च करके बहुमंजिला पार्किंग बनाता है, वहां जो पार्किंग की जो शुल्क होता है वो 10-5 रुपए प्रति घंटा होता है, मगर उसी बीच सड़कों के किनारे जो नोएडा जो टेंडर वाले होते हैं यानी जो निजी पार्किंग के ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं, 1 घंटा के प्रति 70 रुपए लेते हैं और कोशिश करते हैं वो सरकारी पार्किंग में ना जाकर अपनी पार्किंग में लगाए और रोड के दोनों तरफ यानी कि अगर जो सड़क है तो दोनों तरफ वो पार्किंग लगवाते हैं। जबकि आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से साफ बड़े शब्दों में लिखा है कि नो पार्किंग स्टॉपिंग, अगर आप वहां गाड़ी रोकते हैं या गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपके 1000 रुपए चालान काटे जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी जो पार्किंग माफिया है अपने निजी लाभ के लिए अपने अधिक पैसे बनाने के लिए रास्ते में दोनों तरफ पार्किंग की गाड़ियां खड़ी करवाते हैं और कहीं ना कहीं इससे जो आम जनता है बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह आदेश दिया था कि देखिए किसी भी तरह की कोई कमी आम जनता की सेवा में नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम जो अधिकारी हैं वो मिले बैठे हैं। आप सोचिए कि एक तरफ 1000 करोड़ का मल्टी लेवल कार पार्किंग इसलिए बनाया जाता है। महेंद्र, सवाल ये भी है कि अगर कोई नो पार्किंग में व्यक्ति अपनी गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी टो करके ले जाई जाती है नगर निगम द्वारा, लेकिन ये लोग पूरी की पूरी पार्किंग लगाकर बैठे हुए हैं तो इनका इलाज करने वाला कोई नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए जो क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है जो पार्किंग माफिया है तो इनके अंडर काम करते हैं यानी कि जो पूरे दिन गुंडागर्दी करते हैं इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता। दूसरी बात, इनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। प्राधिकरण क्या करता है, प्राधिकरण केवल टेंडर जारी करके जिसको टेंडर मिल जाता है छोड़ देता है, ये नहीं देखता नोएडा प्राधिकरण की आखिर किन किन लोगों को ये काम करने का मौका दे रहे हैं, किन किन लोग जो ऐसे कौन लोग हैं जो इनके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई क्रिमिनल इतिहास तो नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं, इन्हें बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं होता। अगर आप नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में जाएंगे, पहली बार नहीं है, कई सालों से लगातार ये काम चल रहा है। जो पार्किंग यानी कि जो पार्किंग का टेंडर है, जो पार्किंग का मालिक उसका नाम MG पार्किंग वाला है, और क्या करते हैं सेक्टर 18 के तमाम ऐसे सड़कें हैं जहां वो घेर लेते हैं और तकरीबन 70 रुपए प्रति घंटा लोगों से चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ तमाम जो इनके साथ के जो कारीगर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो पार्किंग से पैसे लेते हैं, उन्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं होती, चाहे सामने उनके महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो,
किसी से भी तमीज से बात नहीं करते। अगर ज्यादा अगर आप बोलते हो तो आपसे हाथापाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, पुलिस की धमकी देने लगते हैं और ये कहते हैं आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो ऐसे रोज नोएडा में मामले आते हैं मगर कोई इन पर सुनवाई नहीं होती। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से एक वीडियो वायरल हुई थी जहां गाड़ी में दो बुजुर्ग लोग बैठे थे और वो रोड पे उनकी गाड़ी थी तो उनको टो कर लिया, यानी कि वो गाड़ी में जब बैठे थे तभी उनको क्रेन ने उठा लिया, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तो उनको ले जाया गया। तो सोचिए इस तरीके से पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। ये आलम है नोएडा पार्किंग का। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आपने सुना होगा जो पार्किंग के कर्मचारी, उसने कहा कि हर दिन नोएडा के वो वाला एरिया जो बिल्कुल पार्किंग के लिए अलाउड नहीं है, जो खाली सड़कें होनी चाहिए, वहां 2000 से लेकर 2500 जो गाड़ियां हैं हर दिन खड़ी होती है। अगर वीकेंड की बात करें तो ये जो संख्या है 5000 पहुंच जाता है और एक गाड़ियों का ये एक घंटे का 70 रुपए चार्ज करते हैं। अगर कोई भी नोएडा में आता है तो तकरीबन वो 100-150 रुपए दे के जाता है। आप सोचिए कितना बड़ा एक अमाउंट तैयार होता है कि अगर आप 70 से 2000 को मल्टीपल करेंगे तो ये पूरे महीने का लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। और ये सरकारी खाते में नहीं जाता, ये कमीशन में जाता है, ये जो पार्किंग माफिया है उनकी जेब में जाता है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं मिले बैठे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक नोएडा प्राधिकरण के तमाम कर्मचारी बैठे हैं, लोग बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन माफियाओं से, मगर कोई सुनवाई के लिए नहीं है। हमने आज भी जो टेंडर प्रक्रिया जारी करते हैं जो पूरे नोएडा पार्किंग को देखते हैं, उनके हमने बहुत बार फोन करने की कोशिश की, कई बार रिंग गई मगर उन्होंने फोन एक बार नहीं उठाया, उन्होंने एक बार जवाब दे ही सोची नहीं। मगर इस बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है गुंडे माफियों के बर्ताव से, वह है आम जनता। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए, कोई अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं होना चाहिए, अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी जो ये पार्किंग माफिया है इनके जो ये बहुत ज्यादा निडर हो चुके हैं, क्योंकि इनके जो संबंध होते हैं अधिकारियों से होते हैं, ये जो पार्किंग के रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं फॉलो नहीं करते। पहली बात, अगर आप पार्किंग के ठेकेदार हैं या पार्किंग के एम्प्लॉय है तो आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। आप किसी से बात करते तो उससे तमीज से बात करनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति कौन है, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, उससे आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप 18 का ये आलम है कि अगर आप 2 मिनट वॉशरूम जाते हैं या पानी पीने जाते हैं या दवाई लेने जाते हैं तो तुरंत ये लोग इतने एक्टिव होते हैं कि तुरंत आपकी गाड़ी में लॉक लगा देते हैं, वहां पर्चा लगा देते हैं और ये कहते हैं कि आप पार्किंग जहां है वहां आइए। और जबकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हजारों करोड़ रुपए का पार्किंग मल्टी लेवल कार पार्किंग बनी है जहां तकरीबन 5000 से अधिक गाड़ियां आ सकती है, मगर वहां लोग गाड़ी खड़ी नहीं करते क्योंकि इन लोगों ने रास्ते में ही पार्किंग की सुविधा दे दी है। अब इसको नुकसान सरकार को हो रहा है, जो माफिया है कार पार्किंग माफिया उनकी जेबें गर्म हो रही है, इनकी नहीं, इनके साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी भी जेब बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। सबसे ज्यादा अगर इससे कोई परेशान होता है तो आम जनता परेशान होती है, वो लोग परेशान होते हैं जो 2 मिनट के लिए पानी के लिए जाते हैं। सोचिए मैं आप, अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगे तो हम क्या पहले अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जाएंगे उसके बाद पानी लेंगे? हमें बहुत ज्यादा किसी को शौचालय जाना है चाहो, और सबसे अच्छी बड़ी बात यह, देखिए अगर महिला भी कोई शौचालय जाती है गाड़ी खड़ी करके तो उसमें भी ये पार्किंग का जो क्लिप होता है वो लगा लेते हैं और जरा भी कहीं ना ये अपनी भावना नहीं दिखाते कि किस तरीके से कोई महिला है, इमरजेंसी में आई होगी, उसके साथ बच्चे हैं, वहां भी ये गाड़ी के पार्किंग में क्लिप लगा देते हैं और उनसे 1000 रुपए वसूलने का काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता महेंद्र माही को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से अवैध वसूली पार्किंग के नाम पर की जाती है और लोगों को परेशान किया जाता है। इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। दरअसल नोएडा के अट्टा बाजार की ये तस्वीरें और इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अवैध धंधे पर रोक यहाँ कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। तो इंडिया न्यूज के प्रमुख सवाल, नोएडा के अट्टा में अवैध धंधे पर रोक आखिर कब, अवैध वसूली करने वाले गुंडों पर लगाम कब, व्यवस्था के नाम पर गुंडों को खुली छूट आखिर कैसे है, किसने उनको ये छूट दी है, नगर निगम नोएडा और गुंडों की क्या साठगांठ है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गाड़ियों को उठाने और धमकाने का धंधा कब तक चलता रहेगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इससे आम जनता परेशान है। आम लोग परेशान है, वो लोग परेशान है जो जरा सी देर के काम के लिए जाते हैं अपनी गाड़ी को पार्क करके और उनकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है, उसमें लॉकिंग क्लिप लगा दी जाती है और उसके बाद अवैध वसूली उनसे की जाती है, बदतमीजी की जाती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जिनका जिक्र महेंद्र माही हमारी संवाददाता कर रहे थे, उन्होंने मौके पर पहुंचकर
ग्राउंड पर रिपोर्ट भी तैयार की, वो अपने आपको दिखाई किस तरह हजारों गाड़ियां डेली यहां लगती हैं और लाखों करोड़ों का बजट तैयार हो जाता है महीने का, और उसमें भी हिस्सा बांट लिया।